हेलो फ्रेंड्स, तो आज का मेरा वीडियो है चद्दर को बिछाने का सही तरीका क्या है। अक्सर हम देखते हैं कि हम चद्दर बिछाते हैं और कुछ घंटे बाद आप देख रहे हैं ये हाल हो जाता है। ये रूम मेरे बेटे का है, आज मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि बेडशीट को बिछाने का सही तरीका क्या है, जिससे वो हमारी बेड पर कुछ घंटों बाद भी जमी रहेगी, किनारों से चद्दर इस तरह से निकलेगी नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इस बेडशीट को हटा देते हैं। देखिए, तो बेडशीट मुझे बिछाना है वो ये है। तो हमें क्या करना है, ये बेडशीट के चारों कोने एक दो तीन चार, हमें क्या करना है, ये हिस्सा लेके कोने का इसमें इस तरह से गिठान लगानी है, और इस तरह से हम चारों कोने में गिठान लगा देंगे। इस तरह, और आपका चद्दर अगर छोटा है तो आप छोटी गिठान लगाइए। तो देखिए, मैंने चारों कोनों में इस तरह से गिठान लगा ली है। अब हम इसे बिछाते हैं। सबसे पहले मैं एक अच्छा करता हूँ, तो पहली गठान को इस कोने के नीचे हम रखेंगे। और इस साइड की गठान वाला हिस्सा इस कोने के नीचे। इस तरह से बिछाने से हमारी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी। और अब हमें ये कोना भी इसी तरह से अंदर करना है, इस तरह। तो देखिए, हमारी बेडशीट चारों कोनों से, और हम रख देते हैं पिलो भी। हमें गिठान वाले हिस्से चारों कोनों के नीचे लेना है। और ये देखिए, हमारी बेडशीट अब बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।